आज हम गांव की चकल्लस में बुजुर्गों के साथ में मौजूद हैं। आज हम बताएंगे कि पुराने जमाने और नए जमाने में क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है। अंतर में जो परिवर्तन हुआ है, महंगाई का जो चरम चल रहा है, एक शादी करने में लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं, लोगों को तमाम कर्जे हो जाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम पीछे कुछ दशक पहले बात करें तो वहाँ पर इतने खर्च नहीं होते थे। लोग सीमित खर्चों में और सीमित संसाधनों में शादी विवाह जैसे अपने कार्य को निपटा लेते थे। उस समय की दौर पर बात करें, एक दशक के पहले हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे प्रजा होते थे, नाव हो गए, कहार हो गए, या अनुसूचित जात के हो गए, या धोबीन हो गई, या कुम्हार हो गए, सबके अलग अलग के कार्य लगाए जाते थे और लोगों में काफ़ी प्रेम भाव था, आपसी भाईचारा था और सब लोग मिलकर काम करते थे। हंसी खुशी के साथ जो शादियाँ थी संपन्न हो जाती थी। तमाम शादियाँ ऐसी भी होती थी जिसमें कहीं पर तू मैमे की शिकायत नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो लगातार हर जो शादियाँ हो रही हैं उसमें मारपीट के नौबत भी आ जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए ये तमाम बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है, 60 से लेकर के, देखिए हमारे साथ जो बैठे हैं इनकी उम्र लगभग 70 साल होगी और 70 साल के अनुभव को बताएंगे। ये हमारे नाव ठाकुर हैं, इनकी उम्र भी 80 के आसपास होगी। ये हमारे भोला पप्पा हैं, इनकी उम्र भी 60 के, मतलब जितने लोग यहाँ हैं सबके जो है पतोहू हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की भी शादी हो गई, नाती पोता वाले भी हो गए हैं। तो हम अपने शुरू करते हैं, काका जी बतावा जाए कि आज के लगन देखा था, एक एक लगन पे चर्चा सच पर न्योता रहा था, है लोग खा रहे पाओ थे, लेकिन क्या आपके जबरों में ही रहा है, वह कैसे होता रहा, वह हमें कैसे चल रहा। अब जहाँ गया वही खाया भाई, तुरा भाग अब तो भागक मजबूत से खाए थे तो अच्छा राहत रहा। हाँ। समैया का गुआ में अक्के भी आपत रहा का रहा। अच्छा कैसे व्यवस्था होता रहा, आप तो तमाम टेंशन थी सब, सब खड़े खड़े खात बा। हाँ। खड़े खड़े खात बा। नहीं तो घूमिए तो खात रहा सब सहमत कैसे बिछौना खटिया बना सब सहमत कट रहा किराज हल्के उल्टा बिछा जाजे बिछाया। अच्छा जाजे बिछाया जाता रहा, कथू पे जमीनी पर, जमीनी पर बूटी पर। अच्छा बर्तिया के तू जात रहा था, बर्तिया के तू जात रहा, नहीं पैदल जात रहा है, पैदल जात रहा है। अच्छा पैदल के बाद जब आप छोड़ काजब जाए, काजब जाए। अच्छा आप काजब गए, कई दिन बरात रही है, कई दिन बरात रही है, आज गए मेरा भर जी। तो ये बतावा जाए कि वो जो जजिमुआ उतर रहा है या जो धान जात रहा है, पैसा लगत रहा है, पैसा जो करता है सर, के लेते रहा पैसा। अच्छा मैंने ट्रेंड के पहले आया था जाजी, और गाँव का होता रहा, और गाँव का इज्जत न जाए पाओ भाई। हाँ। और लेकिन अब मैं अब हमें ना ही बा। अच्छा गौआ भाई मिल के सेवा में लगत रहे, हाँ। चाहे कहो से दुश्मनी रहे, चाहे जो सब लोग आते थे, हाँ। अब नहीं आते हैं, नहीं। सही बतावा, अब तो चाय मिले थे पिए के, रसगुल्ला खाए मिले थे, तमाम मिठाई मिले थे खाए के, सब का मिलता रहा, डेली और का मिलता रहा, बतावा कि वह समय के कौन गाना खूब प्रचलित रहा है जिसे बराते गए हुए हैं आप लोग, कौन गाना खूब गाया जाता रहा। अब गाना तो जिसे एक आध गाना बहुत गाना, तो आप सुनाओ एक आध गाना, सबसे जमाना का जो ब्याह में गाई जाता हूँ, ब्याह में गाय यात्रा, जब राम वनवास जाए लागे तो नाराज बैठ घर ब्याह में, अरे जय दीना राम चले है मधुबाना, जय
आज रोवे सारिया हंस साची नाम भजो माता कौशल्या कहिया कही रोवे हो माता कौशल्या कहिया कही रोवे सुन भैर हमारी बखानिया बिदाई में गाया जाता रहा। अच्छा, अब बिदाई में गाया जाता रहा, बिदाई में, बिदाई में, अब बिदाई में तो वो पूर्वाचल चलता है। और अब कब चलता बा? अब तो जब गलमल गाय पावत बा, अब तो डीजे गावत बा। हाँ, डीजे गावत बा, अब तो डीजे गावत बा ना। यही बतावा जाए कि अब डीजे का जमाना आए के बाद, पहलवा तो अब तो मेहरबे कुल नाचत थी, पहलों का नाचत रहे, पहला का करते हैं अब दुल्हा सजत रहा, दुल्हा में अपन जा कहीं दुल्हा बराती पठवे, लेकिन कि गजाव नाई को डाला होता। अच्छा, और ये बतावा जाए कि जो खनवा बनाया जाता है ब्याह भाव में, तो अब तो भंडारी बनावा थी, भंडारी तमाम तेल मसाला में आए रहा थी, चार दिन खाए जाते पेटवे खराब हो गए, और तब का हो रहा, तब खनवा के बना होता है मेहरारू बना, कौन मेहरारू, पूरे गंगा के, अरे पूरे जैसे जमता आकारी बस पसंद के वापस। अच्छा, जितने जितने नात रिश्तेदार आते थे सब लोग खाना बनाते थे, गांव की महिलाएं भी खाना बनाती थी, और नाचते गाते पूरा जो है अपने काम में बिजी रहती थी, दिन भर गीतों का बहुत प्रचार होता था। अच्छा, वह समय का पर्जा पौनी बड़ा महत्व रहा ना, और अभी रोबा है अब सुनाई जाए की पिंकियों सिंह पावस हो गई मिलत बा, कितना मिलत बा, खर्चा चल जात बा, अब मोदी जी फ्री में राशन जैसे वो मिलता बा, कई किलो मिलता है, 30 किलो बा, 28 किलो मिलता है, हर महीना में मिलता है, हर महीना मिलता है। तो आपने देखा है कि जो बुजुर्ग है हमारे, और बुजुर्गों को पेंशन और राशन कार्ड दिया जा रहा है, जिसका लाभ इन लोगों को दिया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए बस यही तक, नमस्कार, धन्यवाद।